आपकी किट्टू एक बार फिर से आ गई है अपना नया ब्लॉग लेके। तो दोस्तों हम कभी यू नो बाहर रहते हैं तो अपने फैमिली को बहुत मिस करते हैं, अपने रिलेटिव्स को मिस करते हैं, बट होपफुली मेरी बुआ जो है कज़न बुआ वो यहीं पर रहती है और उनके साथ उनके बेटे बहू वगैरह सब लोग रहते हैं। तो आज मैं उनसे मिलने जा रही हूँ और आपको यू नो एक फैमिली की ट्यूनिंग कैसे होती है जब हम फैमिली को मिस कर रहे होते हैं और जब उनसे मिलते हैं तो कितनी हैप्पीनेस होती है, ये सारी चीज़ें आज मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ यानी कि सैटरडे को, संडे को भी मैं वहाँ रहूँगी, दो दिन उनके घर पे यू नो रहने वाली हूँ मैं और उनका एक छोटा सा बेबी भी है, उसके साथ फुल ऑन मस्ती करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज मैं बस अपनी बुआ के यहाँ पहुँच गई हूँ, उनके बिल्डिंग से बस थोड़ा सा यू नो पीछे हूँ और उनकी बिल्डिंग में उनके सोसाइटी में एंट्री करने वाली हूँ और उनको एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ क्योंकि बहुत दिनों से यू नो वो बुला रही थी मुझे और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था जाने के लिए। तो अब फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, उनके घर जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है उनका घर। ये देखिए यहाँ से गेट है और यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। ये देखिए ये गेट है और ये मेरी बुआ की सोसाइटी है जो कि विरार में है। सी दिस, और वहाँ पे उस फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे बुआ रहती हैं। तो अब हम गेट से एंट्री करेंगे अंदर। तो गाइस देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और फाइनली हम पहुँचने वाले हैं बुआ के यहाँ पे। सो शी स्टे इन डीविंग, उनके यहाँ डीविंग में है। ये एंट्री है। दोस्तों यहाँ पे लिफ्ट भी है बट मुझे स्टेयर्स से चलना ज़्यादा पसंद है क्योंकि वज़न कम होता है और थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, तो मैं स्टेयर्स पे चलना अवॉइड करती हूँ और लिफ्ट को मतलब सॉरी स्टेयर्स से चलती हूँ और लिफ्ट को अवॉइड करती हूँ। तो वैसा हम पहुँचने वाले हैं, फाइनली पहुँच चुकी हूँ बुआ के यहाँ पे और मैं दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ और अभी बुआ आ गई है। बुआ देखिए मेरी बुआ, नमस्ते। और कैसे बुआ? बस ठीक एकदम। याद कर रही थी मुझे? तो दोस्तों ये मेरी बुआ है, बुआ हाय करो। हाय। और फिर दोस्तों देखो चलो, और बुआ बताओ? और सब ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बुआ के साथ बहुत सारी मस्ती करने वाली हूँ। छोटे बाबू से भी इंट्रोडक्शन आपका कराती हूँ मैं, ये छोटा सा बाबू है लेकिन अभी सो रहा है तो इसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब मैं बुआ के साथ बहुत सारी मस्ती करूंगी। तो भैया भी उठ के आ गए हैं, भैया गुड मॉर्निंग। और वेट कर रहे थे मेरा? देखो भैया भी गुड मॉर्निंग करके आ गए हैं लेकिन हमारा बाबू अभी तक सो रहा है। ये देखो बाबू सो रहा है, बाबू को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो भैया कहाँ घूमने का प्लान है आज? चलते नीचे। चलो ठीक है, फिर हम लोग घूमने जा रहे हैं। दोस्तों आगे की अपडेट आपको आगे मिलेगी। तो गाइज मैं अपनी बुआ के साथ बाहर घूमने आई हूँ और बहुत सारी चीजें खा रहे हैं। बुआ क्या खा रहे हो आप? वड़ा पाव। वड़ा पाव खा रही है बुआ। इसके अलावा मैंने अभी चाइनीज भेल खाया, मंचूरियन खाया, और क्या खाया बुआ? ढाबेली, कच्ची ढाबेली, पानी पूरी खाया। पूरी खाया, मजा आ रहा है मेरे साथ? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। फ्रेंकी भी खाया हमने, अब और अब घूमेंगे थोड़ा सा हम, कटलेट खाएंगे अभी। हाँ कटलेट भी खाने वाले है, तो बहुत मजा आ रहा है अभी दोस्तों। तो आगे देखते हम और क्या क्या करने वाले हैं। क्या खा रही हो आप? कटलेट खा रही हैं, वड़ा पाव। देखो बुआ आज फुल एंजॉय के मूड में है और ये गया बुआ के मुंह में भाई। और बुआ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आया। अच्छा देखो दोस्तों बुआ का फेवरेट गर्मा गर्म कटलेट। ये बुआ लगी है लस्सी पीने में। हाँ तो बुआ कैसा लग रहा है लस्सी? मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा ठंडा। भैया आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, आप अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा आँखें खुल गई है भैया की। तो गाइस हम यहाँ पे लस्सी पियेंगे, डोसा खाएंगे क्योंकि बाबू अभी रो रहा है तो हम ज़्यादा कुछ इन्जॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाबू को भी भूख लगी है, उसे घर पे जाके दूध पिलाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी खा के निकलने वाले हैं। तो बुआ आपका डोसा आ गया है, कैसा लग रहा है? मस्त, एक्साइटेड? हाँ
बुआ ये आई और ये गया मुंह में। टेस्ट कैसे बुआ? बढ़िया। चलो फिर तो बुआ पलटो, ये बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? मस्त यार। नहीं अच्छा, सही बताओ, सही बताओ। अच्छा था, चलो ठीक है, मतलब बुआ को होटल में मजा आया। चलो अब हम घूमने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं मैंने बैग वैग ले लिया है, यहाँ से ही मैं घर निकल जाऊंगी। और अभी यू नो मैं निकल रही हूँ, मेरे साथ सारे बुआ भैया सब लोग जा रहे हैं घूमने, हम लोग जा रहे हैं सी साइड और वहाँ पे मस्ती करेंगे, बहुत सारे रील्स बनाएंगे अच्छे अच्छे और यू नो बहुत सारा फन करने वाले हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मुंबई में बीचेस बहुत फेमस हैं, जहाँ की लोग जाते हैं थोड़ा सा सुकून पाते हैं, शांति पाते हैं, तो वही करने हम भी जा रहे हैं। और मैं यू नो स्टेयर्स से नीचे आ गई हूँ और बाकी लोग अभी लिफ्ट से आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं स्टेयर्स पे जाना ज़्यादा रेफर करती हूँ और लिफ्ट से बहुत ही कम जाती हूँ, क्योंकि वज़न उससे कम होता है। तो बस पीछे आइए आइए आइए, देखिए अभी भैया भाभी और बुआ इस लिफ्ट से नीचे आएंगे, तो ये लोग नीचे के लिए आ चुके हैं, लिफ्ट नीचे आ रही है और ये लोग यहाँ से लिफ्ट से निकलेंगे और हम लोग यहाँ से ऑटो पकड़ के जाएंगे सी साइड और वहाँ पे खूब सारी मस्ती करेंगे, फन करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया है और लिफ्ट से निकली है हमारी बुआ। बुआ घूमने के लिए तैयार? मज़ा आएगा। हाँ तो चलो दोस्तों चलते हैं, हम बुआ के साथ खूब मस्ती करेंगे। भाभी हेलो, कैसी है? भैया कहाँ छोड़ा है? बाबू देखो एकदम हीरो बन के, एकदम हीरो लाल बन के चल रहा है। भैया को कहाँ छोड़ दिया? आ रहे भैया। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, पीछे से भैया आएंगे और हम लोग घूमने जा रहे हैं। ये बुआ तैयार हो? ये दोस्तों हम सी साइड के पास आ गए हैं और ये भैया हमारे क्या खा रहे भैया? मिसल पाव, वड़ा पाव, मिसल पाव, महाराष्ट्र का मुंबई का बेस्ट वड़ा पाव। देखिए मिसल पाव, आप लोग भी खाइए दोस्तों। तो आगे कहाँ जा रहे भैया? हम कमल बीच जा रहे हैं दोस्तों और आपको दिखाती हूँ मैं कि कलम बीच कैसा है। आपने बहुत सारे बीच देखे, जूहू बीच वगैरह देखे होंगे ना, तो आज मैं एक अलग सा बीच आपको दिखाने वाली हूँ। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं सी साइड पे, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं पूरा समुद्र समुद्र आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। तो बुआ कैसे रहा सफर? बुआ थक गई है दोस्तों चलते चलते, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर है तो बुआ थोड़ी सी थकी हुई है। भैया भाभी दौड़े जा रहे हैं आगे आगे, वो देखिए नाला भी जा गए। ये नारा सुपारा में होता पड़ता है ये सी साइड, और यहाँ से बहुत सारी कार वगैरह यू नो जा सकती है अंदर की तरफ, तो हम भी उसी ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत धूप है लेकिन यहाँ पे दोस्तों, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, लेकिन लोगों को अगर इंजॉय करना है तो लोग आते ही हैं। और दोस्तों मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच गई हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा सी साइड यू नो चीज़ों से भरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पीड बाइक वगैरह बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत अच्छा फीस है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बट मुझे अच्छा लगा है। यहाँ पे जैसे स्टॉल्स लगे हैं, फूड स्टॉल लगे हैं, काफी अच्छा है। तो भैया कैसा लग रहा है आपके पसंदीदा सी साइड पे आके? क्या नाम है सी साइड को वापस बताना? कलम बीच। कलम बीच, यस। वाह क्या रिएक्शन है, बढ़िया है। भाभी भाभी थक गई है, चलते चलते लहर में मजा। तो दोस्तों ये बीच ना बहुत अच्छा है, यहाँ पे इतना ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने उड़ रहे हैं, क्योंकि एक अलग ही फील आता है जब सी साइड आओ, एक ठंडक मिलती है, शांति मिलती है दिमाग को। अब मैं 10 मिनट यहाँ पे बैठूंगी और यू नो फील करूंगी हवा को, पानी को, एनवायरमेंट को। आप भी कभी यू नो फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो सी साइड आ जाया करें, अगर आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ पे आने से ना आपके दिमाग का थोड़ा सा टेंशन कम होता है। मैं तो यही करती हूँ, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ और अब यहाँ से हम घूमेंगे घूमेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे।
गाइस अब हमने सी साइड घूम लिया है, ये देखो बाबू भी मेरा घूम लिया है सी साइड, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देखो अब मेरे पीछे कितने लोग हैं, कितनी पब्लिक है, और अब हम सब यहाँ से जा रहे हैं। बाबू बाय करो सबको, बाय करो, बाय बाय करो सबको, बाय। बहुत क्यूट बाबू है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि अब मैं घर जा रही हूँ वापस बुआ से अलविदा लेके। तो बाय, लव यू, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलो बुआ, बाय बाय, मिलते हैं फिर। बुआ गाँव जा रही है, गाँव से आएंगे तब मिलेंगे, ठीक है? बाय बुआ, भैया बाय बाय, अब मिलेंगे जल्दी। अभी आएगी, आऊंगी जब आप गाँव से आओगे। अभी नहीं आएगी गाँव जाते, नहीं संडे ऑफ नहीं मिलेगा, नहीं बात पता नहीं, फिर आई तो गांव गांव के टाइम नहीं आई, चालू है। हां चलते हैं, हां यही डालेंगे, चलो देखते हो, आ जाना आ जाना ना, ठीक है, आराम से जा, फोन करते हैं, बाय बाय।